You are watching the Daily Graph Kashmir. Subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. An hour's drive away in the village of Noorpura, we met Abdurrasheed Bhatt, a civil engineer working in at a government irrigation department. At the time, we have no idea there is a son, Zakir Rashid Bhatt, would come replace Burhan Wani in the Hizbul Mujahideen RRQ. An announcement through an online video once again the underlying chilling reality of new face of rebel. Zakir used social media as a weapon of war. Zakir Rashid Bhatt family was highly educated and economically well off. In fact, there was the biggest house on the street with a private clinic for his other son, a doctor. Zakir, during the unrest of 2010, when a case was booked against him for pelleting stones at security forces. He has only 15 them, like many of defiant teenagers out of the street today. शाम को एक दिन आया नहीं तो हम परेशान हो गए पता नहीं कि मैंने सोचा कि चलो दोस्तों के साथ गया होगा तो फिर मैं बाहर निकला तो यहाँ पर एक स्लिप पड़ता जहाँ बैठे हैं बस बिल्कुल वहीं बिल्कुल एक फटा अच्छा, हुआ स्लिप था अच्छा फिर कि डैडी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना आपको मेरे से काफी तकलीफें हो गई तो मैं आपको और तकलीफें नहीं देना चाहता हूँ बस इतना बोला नहीं उसमें लिखा था वो मुझे कहाँ मिला वो क्या पता उसमें लिखा था कि उसमें लिखा था कि आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और क्या लिखा कि मैंने जो सबसे अच्छा रास्ता है मैंने अब उसी रास्ते पे चलने का फैसला किया है आप मुझे कहीं ढूंढना नहीं अब ये 2013 की बात है father would come to meet Burhan's family and find out why this young boy pick up the gun बुरहान का या बुरहान जैसे जो और बच्चे हैं कश्मीर के उनका मकसद क्या है हिंदुस्तान से आजादी बुरहान का ही नहीं है ये सबों का मकसद है आपका भी हमारा भी क्योंकि जो हालात हैं इंडिया के मुसलमानों की अत्याचार हो जाता है हम ये चला गया यहाँ से ट्रक ड्राइवर वहाँ से उसको मारा क्यों ये मुसलमान है ये कश्मीरी है ऐसा बहुत बार हुआ है तो इस जुल्म से या बीक जो हम हमारा हलाल एक है हम कुर्बान करते हैं उस पर पाबंदी लगती है जो फौज है हिंदुस्तान की उसको हराना तो एक मुश्किल काम है बहुत मुश्किल है हाँ ये तो साफ जानते हैं ये मुश्किल काम है लेकिन एक मुसलमान जो है उसको अल्लाह पर भरोसा होता है और उसकी पता है कि अगर मैं मर जाऊंगा मैं अल्लाह के पास जाऊंगा वो मरता नहीं है हमारे मजहब में जो इस तहरीक में मरेगा जुल्म सितम से हिंदुस्तान की गोली से वो मरता नहीं है वो ट्रांसफर होता है इस दुनिया से तो अगले दूसरी दुनिया में पर आप एक बाप भी हैं जी बुरहान के बाप हैं जी हाँ थोड़ा तकलीफ होती है लेकिन फिर इस्लाम हमें याद दिलाता है कि पहले खुदा फिर बेटा पहले कुरान फिर बेटा पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बेटा पहले बेटा फिर खुदा नहीं है पहले खुदा फिर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कुरान और फिर बेटा कुरान जो है एक रोल मॉडल सा बन गया कश्मीरी बच्चों के लिए जी मतलब सब बुरहान कहते हैं बुरहान के वीडियो देखते हैं इसकी क्या वजह है कि इतने सारे जो यूथ हैं कश्मीर उनको जो बुरहान कह रहा है वो पसंद आ रहा है आज 80% या 90% लोग उसको दुआएं देते हैं कि बुरहान अल्लाह बुरहान को सलामत रखे ये कभी मरे नहीं ये जिंदा रहे ताकि हमारी जो ये स्ट्रगल है वो आगे बढ़े सब दुआएं दे रहे हैं 5 साल हो गए इसको मिलिटेंट बने हुए 5 साल मल्टीप्लायर बाई 365 इतने दिन हो गए तकरीबन 2000 दिन में इसने खाया कहाँ पिया कहाँ ये कपड़े कहाँ से लाए बूट कहाँ से लाया सोया कहाँ तो इसका मतलब है कि लोग इसको साथ दे रहे हैं उसका साथ दे रहे हैं
قرآن کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ میں مانگتا ہوں اللہ اس کو صحیح سلامت رکھے فی الحال اور اس کو ایمان کامل عطا کرے.